नमस्कार, डेढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। गोवा से एक बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए राजभवन में अपना दावा ठोक दिया है। जी हां, उन्होंने 16 MLAs की अपनी एक लिस्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि फिलहाल वहां पे बीजेपी सरकार है और वहां मनोहर पारिकर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से मनोहर पारिकर अपनी आग्नेशय की बीमारी के चलते पहले अमेरिका में इलाज करा के आए और अभी इस वक्त वो उनका इलाज एम्स में चल रहा है और इससे पहले गोवा के कैंडियम हॉस्पिटल में भी चल चुका है। तो ऐसे में कहा जाता है, जहां एक तरफ सीएम बीमारी से परेशान थे, तो वहीं गोवा में कांग्रेस ने दावा ठोक के कहीं ना कहीं बीजेपी की नींव हिलाने की सोच ली है। क्योंकि आपको बता दें कि 2019 का चुनाव निकट है और ऐसे में अगर गोवा हाथ से फिसला तो बीजेपी के लिए कर्नाटक के बाद ये सबसे बड़ी हार होगी।